50,000 किताबें उस आदमी की लाइब्रेरी में थी। तुम एनसीईआरटी पढ़ने आते हो कोचिंग, ये एनसीईआरटी मैंने ही शुरू किया था इंडिया में कोरोना के टाइम पे, फिर सबने मुझसे सीखा हम भी पढ़ाएंगे। हमने कहा पढ़ाओ, यहाँ आईएएस की तैयारी करने वाला लड़का एनसीईआरटी पढ़ने आता है, भैया हमको एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए। वो आदमी 50,000, वो भी तब जब 50,000 किताब डूब गई थी समंदर में 1916, जब वहां से किताबें आ रही थी लंदन से। दूसरी चीज क्या पैदा कर दी? कम्युनलिज्म। खुद से हिस्ट्री लिखी अंग्रेजों ने, खुद से कम्युनलिज्म, खुद से हिस्ट्री लिखी। उसमें सबसे ज्यादा किस पे लिखा? औरंगजेब पे, और कुछ नहीं लिखा। औरंगजेब, ये मंदिर तोड़ा, वो मंदिर तोड़ा, यहां गया वहां गया। फिर ये देश के मुसलमान, इन्होंने औरंगजेब को अपना हीरो कह दिया। है मेरा हीरो? अच्छा मोहम्मद साहब, नहीं वो तो पैगंबर है। मोहम्मद साहब के बारे में कुछ नहीं पता है इस देश के मुसलमानों को, औरंगजेब पे सब पता है। इन दोनों को आगे करके नेशनल मूवमेंट को कंट्रोल किया। इसको बोलते हैं पढ़ने का अप्रोच।